Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. आज जलझूलनी एकादशी है और डिग्गी का ऐतिहासिक कल्याण जी का मेला किसी से छुपा हुआ नहीं है, अपना इसका एक इतिहास रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण इस मेले की बात यह है कि आज सालों बाद ऐसा मौका आया है जब जलझूलनी एकादशी के ऊपर, जहां सारे मंदिरों से ठाकुर जी जो है अपने अपने वाहन में बैठकर नौका विहार करने जाएंगे, जल विहार करने जाएंगे, उससे पहले कुदरत ने जो है उन पर जो है खुशियों की बरसात की है। मानसून इस सत्र में वैसे भी अच्छा रहा है, ऐसी सूरत में डोला ग्यारस के इस अवसर पर ईश्वरी कृपा देखने को मिल रही है डिग्गी कल्याण जी के मंदिर में, क्योंकि आने वाले समय में जो है एक शुभ संकेत है। आस्थाओं का देश है और हम भी आस्थाओं में विश्वास करते हैं। आपको दिखाएंगे बहुत जल्द डिग्गी का ऐतिहासिक डोला ग्यारस मेला। I'm gonna make it.
ग्यारस एकादशी ये बहुत ही पुनीत एकादशी है और टोंक जिले का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मेला भरता है। जिला कलेक्टर महोदय अपने अधिकृत अवकाश इस दोल मेले के लिए ही करती है। ये टोंक जिले का नहीं अपितु पूरे राजस्थान भर का एक अद्भुत मेला है। आज के दिन राजस्थान की संस्कृति की झलक यहाँ दिखाई देती है। राजस्थान की संस्कृति की झलक यहाँ दिखाई देती है। हमारे राजस्थान के सुप्रसिद्ध वाद्य यंत्र ढोलका, अलगोजा, सहनाई और झांझिया ये इस दिन भरपूर मात्रा में अपने अपने टोलियां मनाकर दूर दराज के गांव के लोग यहाँ आते हैं और अपना पूरा मनोरंजन करते हैं और कल्याण महाराज की गाथा अपने भजन के माध्यम से गाते हैं। कल्याण महाराज के मेले में ढोल ग्यारस में गालियों का रिवाज वो परंपरा कहाँ से थे अब की सूचना? ढोल ग्यारस की परंपरा जब से कल्याण महाराज की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, यहाँ पधारे हैं दिगीपुरी में, तब से ही ये ढोल ग्यारस एकादशी का मेला भरता आ रहा है। इस दिन भगवान अपने गर्भगृह से बाहर निकलकर और जल विहार करते हैं। जल विहार के लिए गांव भ्रमण करते हैं और ग्राम भ्रमण करने के बाद जो विजय सागर तालाब है हमारे डिग्गी का पवित्र सरोवर, ऐसा कहा गया है काशी पुष्कर प्रयागराज में नाओ तो ऐसो ही फल डिग्गीपुरी में पाओ, तो ऐसा ये विजय सागर तालाब है। इसमें पूरे गांव भ्रमण करके भगवान के डोले यहाँ विजय सागर पर आते हैं और फिर जल विहार करते हैं, नौका विहार करते हैं। नौका विहार से लोगों को, दूर दराज के आए हुए लोगों को ये संदेश दिया जाता है कि मैं आपके दर्शन के लिए, आप भक्तों के दर्शनों के लिए मैं अपने गर्भगृह से बाहर आकर आपको दर्शन देने आ गया हूँ एवं मैं जल विहार कर रहा हूँ इसलिए कि पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में खुशहाली हो, हर तरह की चहुमुखी विकास हो, इसके लिए भगवान ढोल ग्यारस को बाहर। परंपरा गालियों की भी है, क्या किस तरह की परंपरा है, क्या है? ये हमारी गौतम समाज की एवं पुजारी समाज के द्वारा स्थापित की गई भारतीय संस्कृति के अनुसार और पुराणों के अनुसार स्थापित है। आज दिग्गी में नहीं अपनी तो पूरे भारतवर्ष में दो
हर बार ही 2011 से दिल्ली में काफी पर्टिकुलरली मेला लगता है, जिसमें हमने लगभग 20 लाइन से आरेंज कर लगभग 17-18 आदमियों ने जाते हुए टीआरएफ की टीम यहाँ अभी जो डोला है उनका जल विहार भी करवाते हैं, तो उनको अनहोनी नहीं उसको रोकने के लिए हम टीआरएफ की टीम भी मैं नाम की तैनात की, जिससे भी हम गलत करते हैं बिल्कुल सारी व्यवस्था सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को, खबरों के लिए बने रहे।